नमस्कार, मैं डॉक्टर रागिनी सिंह अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं चर्चा करना चाहूंगी भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश की मांडा रियासत में हुआ, जो पहले के इलाहाबाद, वर्तमान के प्रयागराज में स्थित है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्म 25 जून 1931 को हुआ और राजीव गांधी सरकार के पतन के बाद 2 दिसंबर 1989 को भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। वो विद्यार्थी जीवन से राजनीति में दिलचस्पी रखते थे। वो समृद्ध राज परिवार से आते थे, इस कारण वो युवा काल में ही राजनीति में सफल हो गए। 1969 में वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे और 1980 से 82 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1983 में वो इंदिरा गांधी सरकार में वाणिज्य मंत्री रहे और राज्यसभा के भी सदस्य रहे। तो राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट में वित्त मंत्री बने। उसी समय उनका राजीव गांधी के साथ टकराव हुआ। सूचना थी कि कई भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में अकूत धन जमा किया गया है। इसकी जांच के लिए अमेरिका की एक एजेंसी फेयरफैक्स की नियुक्ति कर दी। इसी बीच स्वीडन में 16 अप्रैल 1987 को यह समाचार प्रसारित किया गया कि भारत के बोफोर्स कंपनी की 410 तोपों का सौदा हुआ था, जिसमें 60 करोड़ की राशि कमीशन के तौर पर दी गई थी, जिससे संसद में हंगामा हुआ। राजीव गांधी ने वीपी सिंह को कांग्रेस से निष्कासित किया और उन्होंने पहले जन मोर्चा व बाद में जनता दल का गठन किया। इसी समय संसदीय चुनाव का समय आ गया। वीपी सिंह और विपक्ष ने बोफोर्स तोप सौदे को चुनावी मुद्दा बनाया और 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पराजित हो गई। उस वक्त बीपी सिंह की छवि एक ऐसे राजनीतिक की बन गई जिसकी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा पर कोई शक नहीं किया जा सकता था। देश के युवा उनके बारे में नारा लगाते थे, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। व्यक्तिगत तौर पर सत्यवादी की थी। बीपी सिंह के कांग्रेस विरोधी मोर्चे में भाजपा सम्मिलित थी और वाम दलों ने उन्हें मोर्चे को समर्थन दिया था। उन्होंने सिखों के घाव में मरहम रखने के लिए स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। व्यक्तिगत तौर पर वो बेहद निर्मल स्वभाव के थे। उनकी छवि सामाजिक, राजनीतिक व दूरदर्शी व्यक्ति की थी। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को मानकर देश में पिछड़े समुदाय की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कर दी थी। उन्हें भारत के सबसे चमकदार सितारों में से एक होना चाहिए था, जिसने राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ी। रक्षा सौदों में दलाली के खिलाफ सत्ता से विद्रोह किया, जाति व्यवस्था को चुनौती दी,
सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ आमरण अनशन करके अपनी किडनी खराब कर ली। उनकी मौत इतनी गुमनामी में थी कि 27 नवंबर 2008 को जब दिल्ली में उनकी मौत हुई कि भारत का कोई भी नेता उनके रास्ते पर चलना नहीं चाहेगा, चलने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी गलती मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना था। बाद की सरकारों को अगर उनकी सिफारिशें इतनी ही गलत लगी तो वो उसे रोक भी सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर वाहवाही लूटी। प्रधानमंत्री पद पाने के लिए कुछ लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने से पहले विपक्ष के सभी नेता उनके पास प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करने का आग्रह करने गए, लेकिन उन्होंने पद लेने से मना कर दिया। आज न कोई पिछड़ा उन्हें याद करता है, न दलित याद करते हैं, न कोई सवर्ण याद करते हैं। आज भारत में ऐसी कोई दो गज जमीन नहीं है जहां उनके चाहने वाले उन्हें दो फूल अर्पित कर सके। मित्रों, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर उन्होंने छुट्टी की घोषणा की। अपनी कैबिनेट में मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृहमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया। इसके बाद भी वो लोग भी आज उनको याद नहीं करते। ऐसे में विचार कीजिएगा, अगर कोई ईमानदार नेता इस देश में ईमानदारी के साथ सेवा का भाव रखता हो, गरीबों की मदद करता हो, गरीबों का मसीहा होता हो, अगर उसकी ऐसी दुर्दशा होगी तो ऐसे मूल्यों को जीने वाले महापुरुष क्या कोई और भी बनना चाहेगा? मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।